नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस अंदाज से कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करती थी, लेकिन महज दो दिन में दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश में मासूम बच्चे महफूज नहीं, इंदौर में एक बच्चे का अपहरण होता है और उसकी फरौती मांगी जाती है, जबकि आज खबर है सतना के चित्रकूट से कि बंदूक की नोक पर दो मासूम बच्चों को बस से अगवा कर लिया गया। ये तमाम चीजें ये सवाल जरूर छोड़ती हैं कि अगर गृह मंत्री या खबर देख रहे हो तो आप कहाँ हैं। इस तरह की कानून व्यवस्था का आखिर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज। महज दो तस्वीरें, सवाल इतने कि प्रदेश सहम जाए। यह सवाल वो है जिसमें कमलनाथ के राज में मासूम महफूज नहीं। पहली तस्वीर इंदौर के 6 साल के उस मासूम की है जिसका बदमाशों ने अपहरण कर लिया, फिर 10 लाख की फिरौती मांगी। दूसरी तस्वीर सतना के चित्रकूट की है जहां दो जुड़वा मासूमों को स्कूल बस से बंदूक की नोक पर अपहरण लिया गया। यह दो तस्वीरें मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। इंदौर के मामले में किराना व्यापारी रोहित जैन के 6 साल के बेटे अक्षत का अपहरण होता है और 10 लाख की फिरौती की मांग करते हैं। वजह निकल के सामने आती है, मामला प्रॉपर्टी विवाद का है। बीते दिन प्रदेश के सागर जिले की बरौदिया पुलिस चौकी की पुलिस को चेकिंग के दौरान यह बच्चा मिल गया जिसमें बाइक सवार आरोपी बच्चे को छोड़कर पुलिस की वर्दी देखकर भाग गए। अक्षत को सागर लाया गया जहां पुलिस कप्तान के निर्देशन पर उसे इंदौर पहुंचाया गया। जो हमारे सब इंस्पेक्टर सिकरवार हैं बड़ौदिया चौकी में, उन्होंने वाहन चेकिंग लगा रखी थी और इसी दौरान बाइक पर इस बच्चे को लाया जा रहा था और दूर से ये देख के पुलिस की चेकिंग लगी हुई है, बच्चे को वहां पे छोड़ के और बाइक सवार वहां से भाग गए। वही दूसरी तस्वीर सतना जिले के चित्रकूट से है जहां मध्य प्रदेश दहल जाए। ब्रजेश रावत रामघाट के LKG कक्षा के दो मासूम बेटों को स्कूल बस से आरोपियों ने बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। दो बच्चे हैं 5 साल के, LKG में पढ़ते हैं यहाँ सतगुरु ट्रस्ट के स्कूल में। छुट्टी के बाद वो बस से घर जा रहे थे, दो अज्ञात लोगों के द्वारा उनको मोटरसाइकिल में ले जाया गया है। हमारी और उत्तर प्रदेश की टीमें तभी से नाकाबंदी करके सर्चिंग में लगे हुए हैं और यहाँ पर उन्हें दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, फौरी तौर पर क्या लग रहा है कि ये आपसी रंजिश से दुश्मनी के चलते हैं या किसी गिरोह का हाथ? अभी इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, सभी पहलुओं को ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और बाइक सवार फरार हो गए। यह सवाल उस कमलनाथ सरकार से है जो इसी कानून व्यवस्था को विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाई थी। अब इस सरकार के पास इन मामलों का कोई जवाब है? अगर जवाब है तो वह जवाब दे, क्योंकि कानून की हर व्यवस्था में सरकार अब फेल नजर आ रही है। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।